हेलो गाइस, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर चैनल एंड होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज जुड़ा हूँ एक ऐसे लर्नर के साथ जिनका नाम है पूजा पॉल एंड ये वेस्ट बंगाल से हैं और CSIR नेट 2023 में इन्होंने AIR 1 सिक्योर किया है JRF कैटेगरी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूजा, कॉन्ग्रेचुलेशन, अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपने AIR 1 जो है थैंक वो यू अचीव सर। किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे यस में कुछ सर। बताइए कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपने जो है सिक्योर किया। सर आई एम पूजा पाल। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल खड़गपुर। सर मेरी स्कूलिंग भी यहाँ से ही है, मेदनीपुर से 1 आवर की डिस्टेंस है। मैं बस में ट्रैवल करती तो घर में ही सब करते थे। घर से ट्रैवल करती तो घर में ही रिटर्न करते थे, बाहर कभी नहीं गए थे स्टडीज के लिए। मेरे स्कूलिंग भी यहाँ पे थी, कॉलेज भी यहाँ पे थे, यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे थे। तो आप को कैसा फील हो रहा है कि आपने CSIR AIR 1 स्कोर किया, तो जब आपने रिजल्ट देखा तो कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने देखकर 100 परसेंटाइल, आई वाज थिंकिंग मैं आई आई विल गेट 99 पॉइंट समथिंग, बट 100 परसेंटाइल वो आई कांट बिलीव दैट। सो सर व्हाट पहले वाज तो योर देन आपका रॉ स्कोर आई क्या गॉट था? सिक 150.5 कौन सा शिफ्ट था आपका? मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग। ओके ग्रेट। सो 150 मतलब आप एक बार शायद क्लास में आए थे और आपने कुछ लिखा था कि आई गॉट 100 परसेंटाइल, हाँ एंड सर। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि या कुछ, मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद फिर हम कम्युनिकेशन हो नहीं पाया कि क्या हुआ फिर हाँ आपने जब। नहीं हो। तो आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ बताएंगे कि आपके फादर क्या करते हैं या आप? मेरे आईआईटी खड़गपुर, मेरे पापा के आईआईटी खड़गपुर में बिजनेस है, वो ग्राइंडिंग शॉप है। और मम्मी हाउसवाइफ है। रिसेंटली मेरी दीदी की शादी हुई हो गई। दीदी दुकान संभालते थे क्योंकि मेरे पापा की तबीयत मेरी क्लास 12 के बाद खराब हो गई थी। माय पापा वाज पैरालाइज फॉर सम टाइम। अभी ठीक है? तो देन हाँ अब ठीक है। आप पापा ही दुकान करते हैं। कभी कभी मुझे बुलाते हैं हेल्प के लिए तो मैं जाती थी। तो अब तो आपके ऊपर फिर भी दुकान शादी का करने की प्रेशर भी आया आदत क्या? है। नहीं सर मेरे घर से नहीं आए, बाहर के लोग आते हैं, पापा को बोलते थे, पापा उन लोगों को डांट देते थे। मेरे लड़की पढ़ाई मैंने पढ़ाई करेंगी, वो पढ़ाई में अच्छे है, वो शी विल स्टडी। मतलब फैमिली का सपोर्ट आपको था कि कम से कम पेरेंट्स जो थे वो आपको हाँ पढ़ने में सपोर्ट करते थे? मेरी मम्मी पापा दीदी सब एकदम पढ़ाई करो पढ़ाई करो, हमेशा मोटिवेट करते थे। कभी कभी मैं हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। कभी कभी मैं पढ़ाई में जब फाकी मारते थे, मैंने नहीं करते थे, तो वो लोग बोलते थे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करो ऐसे। ओके ग्रेट। एंड आप अगर जैसे वो लोग काफी मोटिवेट करते थे, आपके अंदर से कभी ऐसी कोई मोटिवेशन आई या आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था कि आपने जो है अपने आप को कंसिस्टेंट बनाए रखा और इतना ग्रेट अचीवमेंट हासिल किया? सर पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है। सर आपके जो समरी नोट्स है ना, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते। मैं कॉपी में ऐसे ही समरी नोट्स ड्रॉ करते थे, मैंने ड्रॉ करती थी। मुझे अब भी आदत हो गई है, वो बहुत इजी था, वो इजी है हर फिर टॉपिक को इजी कर देते थे। मैम भी ऐसे ही पढ़ाते थे, सब टॉपिक को डाइसेक्ट करते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आपके इस जर्नी में, CSIR AIR 1 की जर्नी में, अनअकैडमी में या अनअकैडमी के जो सारे एजुकेटर्स, उन्होंने कैसे हेल्प किया या कितना कंट्रीब्यूशन रहा? तब मैं सिर्फ आप और मैम की क्लासेस करती थी। पहले मैं जब मैंने सब्सक्रिप्शन ली थी तो मैं 4 क्लासेस लेती थी, मैम के दो आपके दो। देन जब मेरी यूनिट ज्यादा कवर हो रही थी तो मैं मैम की छोड़ दी, तो आपके ही कंटिन्यू किया मैं लास्ट तक। तो आप अगर कोई फ्रेश लर्नर देख रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे, अनअकैडमी फ्रूटफुल था आपके प्रिपरेशन में या नहीं था, वो बहुत लेना चाहिए फ्रूटफुल था, सब्सक्रिप्शन? बहुत। हाँ सब्सक्रिप्शन तो लेना ही चाहिए, बहुत फ्रूटफुल था। मैं 0 से 1 हुई हूँ, वो भी हो सकते हैं। मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। मैं बहुत हार्ड वर्क करती थी पढ़ाई के लिए। हाँ, एक कहावत है कि
हार्डवर्क बीट्स द टैलेंट, मतलब हार्डवर्क जो होता है वो टैलेंट को बीट कर सकता है, अगर टैलेंट अगर हार्डवर्क ना करे तो. ये बिल्कुल सही एग्जांपल है कि आपने हार्डवर्क से जो है वो कई सारे टैलेंट को बीट किया. एंड ग्रेट. आपने कितने यूनिट्स टारगेट किए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे? 10 यूनिट्स फुल्ली टारगेट किया, 11 तो जो अप्लाइड बायोलॉजी है कुछ 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 टॉपिक मैंने किया। ओके, 10 यूनिट कंप्लीटली आपने टारगेट किया था. कौन हाँ, से टेन यूनिट्स यूनिट्स आपने कंप्लीटली छोड़े थे? छोड़े थे मैंने। एनिमल फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी इन लाइफ। ओके. आपने कोई स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ी थी, या फिर जो अनअकैडमी पे मैं या जो बाकी एजुकेटर्स के नोट्स थे उसी से काम चलाते हैं, या कुछ आपने एक्स्ट्रा मैम स्टडी करी सर थी? मैं नो ना ना नहीं, सिर्फ नोट्स पढ़ते थे, और कॉलेज के वक्त और यूनिवर्सिटी के टाइम में स्टैंडर्ड्स बुक फॉलो करती थी, तब मुझे मजा आता है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रहते थे, तो मुझे तो एग्जाम में तो इतना डिस्क्रिप्शन तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ मुझे पॉइंट मुझे ब्रेन में लेकर जा फैक्ट्स को लेकर जाना पड़ता, तो इसलिए मैंने नहीं हाँ, भी नहीं करा। जैसे कि जब भी हम स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं तो उसमें इतना इंफॉर्मेशन होता है, उसको नॉलेज के लिए हम पढ़ सकते हैं क्यों, लेकिन अगर हम एग्जाम को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है तो बहुत टाइम लगता है स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने में, तो वो जनरली जो है हमारा टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी नहीं होता. तो यस, आप एक सही अप्रोच से थे. आपने अच्छा अपने स्टडी के दौरान रिवीजन किया था या रिकॉल किया था या दोनों किया था, या कैसे अपने इस सर मैंने डेव बायो के लिए रिवीजन किया, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट रिलेटेड स्टेटमेंट आते थे क्वेश्चंस में डायरेक्ट, तो मुझे स्टेटमेंट से वाकिफ रहना पड़ता, इसलिए मैंने डेव बायो लाइन टू लाइन पढ़ते थे मैंने पढ़ी थी तब। और बाकी सब बाकी यूनिट्स के लिए मैं रिकॉल किया, बहुत बार रिकॉल किया सर। मैं पेन और पेपर से रिकॉल करती थी, मुझे ब्रेन में नहीं होता था, मन में नहीं कर सकती थी मैं, पेन और पेपर के ड्रॉ करके लेकिन करके सब पॉइंट टू पॉइंट हाँ लिख के सब सब मैंने 1-2 वीक में कॉपी के 50% खत्म कर देती थी, पेन और पेपर से रिकॉल करके। इतना बार रिकॉल किया मैंने, सब कुछ रिकॉल किया सब। मैंने शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाती थी, क्योंकि मैं शुरू किया था लेकिन वो बाद में शॉर्ट्स नहीं रहती थी, वो लॉन्ग हो जाते थे, इसलिए मैं पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ती थी। मैं कंफर्टेबल थी, पहले मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, लेकिन ग्रेजुअली मैं अडॉप्टेड हो गई थी स्क्रीन में पढ़ने के लिए। तो मैं ये बोल रहा था कि जब आप प्रिपरेशन करते थे तो 4 लाइव क्लासेस भी देते थे, एंड उसके बाद प्रैक्टिस भी करना है, रिकॉल भी करना है, तो आप डेली इतने हेक्टिक शेड्यूल को मैनेज कैसे करते थे? सर मिडिल में गैप जो रहते थे ना, वो मैं फुल्ली यूटिलाइज करती थी, मैं घर के भी काम भी करते थे, वो मेरे फ्री टाइम में एक माइंड फ्रेशनिंग जैसा था। ऑल्दो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा था, बट व्हाट वाज माय कंट्रीब्यूशन इन योर अचीवमेंट, मतलब नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि पूरा एफर्ट आपका रहा है, बट आपको क्या लगता है कि अगर आप परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन को ट्रीट करना चाहे तो वो कितना रहा होगा लगभग? सर इमोशनल सपोर्ट थी आपके, सर जब मुझे सोच रही थी मुझसे नहीं हो पाएगा, तब आप क्लास में मोटिवेट करते थे सर, आप हर हर क्लास में मोटिवेट करते थे, तो इसलिए हो जाता था। तो एटलीस्ट वन कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा वाला कॉन्सेप्ट. और आपके समरी नोट्स मुझे बहुत अच्छा लगते थे, मैं घर में वो एक अलग मोटिवेशन थे, वो मुझे मुझे प्रैक्टिस करना अच्छा लगता था। समराइज करना 10 on 1 या हाँ बहुत दूर हाँ दूर आकर. सब इन्फॉर्मेशन को एक जगह समराइज करना, वो मैं ऐसे करके। एक और चीज होता है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम प्रिपरेशन के दौरान हमारे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत सारे फियर ऑफ फेलियर्स आते हैं कि हम सीएसआर को जब ऑप्ट कर रहे हैं तो क्या है? बहुत सारा ऐसा होता है कि यार होगा कि नहीं होगा, करियर का प्रेशर है, लोगों के अलग अलग कमेंट्स होते हैं, तो आप इन नेगेटिव थॉट्स को या फियर ऑफ फेलियर को डील करने के लिए आपने अपने आप को कैसे जो है मोटिवेट किया था अल्टीमेटली? सर जब घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते थे तो वो ही मेरी मोटिवेशन थी, तब मुझे कुछ तो करना होगा ना, पापा को हेल्प करना पड़ेगा, तो मुझे और कौन करेगा सर, इसलिए
मैं रोती थी जब मम्मी पापा को पैसे की प्रॉब्लम होती थी, मैं रोती थी, फिर मैं अगेन स्टडी शुरू कर देती थी। तो मुझे अभी तो कहाँ उन पे लोगों का प्लान हेल्प रखना करना है? पड़ेगा ना। हाँ डेफिनेट, काफी अच्छी सोच है आपकी कि सिर्फ जो है अक्सर जिम्मेदारियां जो है ऐसा लोगों को लगता है कि लड़कियां नहीं संभालती, लेकिन आप उस जिम्मेदारी को समझती हैं और संभालना चाहती है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो आपको क्या लगता है, इस आप एक अच्छा रैंक अचीव करिए तो आप कहाँ पे जाना चाहेंगे, किस इंस्टीट्यूट, आपका कोई गोल है या ऐसे सर कहीं पे है भी? IIT खड़गपुर। सर IIT खड़गपुर में आप जाओगे? हाँ सर, पापा की दुकान भी IIT खड़गपुर में है। तो बढ़िया है, तब तो सही भी रहेगा, अच्छा रहेगा कि आप अपने फैमिली के करीब भी रहेंगे। अच्छा, ड्यूरिंग सीएसआर प्रिपरेशन बच्चों का एक क्वेश्चन आता रहता है कि PYQs एनफ है क्या, या PYQs ही करे तो हो जाएगा, या कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, तो आप इस पे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपने कैसे किया था और क्या सजेशन रहेगा? तो मैंने PYQ से किया, बहुत बार किया, मेरे सब क्वेश्चन फिंगर टिप्स में थे। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, मैंने उसका रीजन भी मुझे पता था, मैं रीजन को भी प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि बार बार रिपीट होते थे वो क्वेश्चन। अगर मैं मिस किया तो मुझे ही दुख होगा। तो आपने लगभग PYQs के मॉक टेस्ट जो नहीं दिया। अप्रोच थे उसको लगभग आपने फिंगर टिप पे रख दिया था। ग्रेट, हाँ, ईच एंड एवरी सो PYQ उसको, हाँ हाँ बोलिए। अच्छा सर एवरी PY को मैं 5 5 टाइम्स तो प्रैक्टिस हो गया था मेरे। सर आप भी तो बहुत क्लासेस लेती थी, स्पेशल क्लासेस यूट्यूब में, मैं सब अटेंड किया। मैं मतलब प्रैक्टिस करवा देता था, बट वो हाँ तो आप करते कैसे थे इतनी सारी चीजें, मतलब बोल रहे हो 5 बार आपने प्रैक्टिस भी कर लिया सारी PYQs को, लिख के रिकॉल भी करते थे। मैं मतलब आपका, अच्छा अगर डे शेड्यूल आप डिवाइड सर, करो तो मुझे आप डेढ़ कैसे साल लग प्रिपरेशन गई, कर? अच्छा, सर आपने मुझे प्रिपरेशन 1.5 साल लग गई, कब स्टार्ट करी थी आपने प्रिपरेशन? सर 2021 के स्टार्टिंग में, सब्सक्रिप्शन कब लिया था आपने? 2021 जनवरी फरवरी में। उसी वक्त सब्सक्रिप्शन आपने लिया था, तो मतलब हाँ आपने जो एग्जाम हुआ होगा जब 2021 या 22 का दिया था आपने? सर, लास्ट टाइम सितंबर में जो था वो दिए थे, 96.8% आए थे, मेरे नहीं हुए, LS भी नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट टाइम आपने दिया था लेकिन वो हुआ नहीं था, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था बेसिकली। हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट था। और MSc आपका कब से कब पास आउट था, या आप अभी MSc करते हैं? सर मैंने 2022 में सब्सक्रिप्शन लिया, मेरा 2021 में MSc कंप्लीट हुआ, 2020 21 में तो कंप्लीट हुआ। मैंने 6 मंथ्स गेट के लिए खुद से प्रिपेयर किया, गेट हुआ भी पर रैंक अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया अन अकेडमी चलो पे। अच्छा है, अब तो आपको ऑलमोस्ट IIT खड़गपुर मिल जाना चाहिए, और फिर आप अपना PhD भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ सर, और जैसे कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्वेश्चन का पेपर का जो पैटर्न है आज के टाइम पे चेंज हो चुका है। जैसे पहले अगर आप थोड़ा सा PYQs को देखें तो उनमें जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका था वो थोड़ा थोड़ा सा अलग था, अभी जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो आपने उस चीज को बहुत तवज्जो दी, या उसके लिए क्या अलग स्ट्रेटजी करी, या आप सिर्फ अपने स्टडीज पे फोकस थे, आपका क्या वो अप्रोच था कि नए सर अलग तरीके के कोई क्वेश्चन? स्ट्रैटेजी नहीं थे, सर अलग कोई स्ट्रैटेजी नहीं थे। मैं, आप जो नोट्स देते हैं वो उसमें जो फैक्चुअल चीजें थे वो बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया फैक्चुअल चीजें, क्योंकि उससे ये पार्ट भी में आते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होता है आपने उस पर बेसिकली रिलाई हाँ किया, आप बहुत, आपको कभी डर नहीं लगा कि नए तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए कुछ अलग पढ़ूं, कुछ अलग करूं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक? सर, नहीं डर कभी नहीं लगा, इस बार नहीं होगा तो दूसरे बार निकाल देंगे। निकाल देंगे, ग्रेट, ये अप्रोच बिल्कुल होना चाहिए। कई सारे जितने भी लर्नर्स देख रहे हैं कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हम निकाल ही लेंगे। और कई स्टूडेंट्स के मन में एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जो अनएकेडमी के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या वो एनफ है या कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है? सर नोट्स तो है ना फिर, लेकिन ब्रेन में कैसे इंफॉर्मेशन को अपलोड कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पर एग्जाम में एग्जाम दूंगी, नोट्स नहीं, ये बात बिल्कुल सही सब कहती है। इंफॉर्मेशंस को ब्रेन में रहना पड़ता, ताकि क्वेश्चन देख के मुझे सब याद आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
आई एग्री विथ यू कि हमें जो है हमारे पास कितना खाना है ये जरूरी नहीं, हम कितना उसको खा के पचा पाते हैं वो मैटर करता है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है। तो बहुत सारी चीजें आपने छोटी मोटी शेयर करी। अगर आप पूरी स्ट्रैटेजी को अगर मान लीजिए कि आपने क्वालिफाई तो कर लिया, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर आप अभी एक फ्रेश लर्नर आया तो उसको एक शॉर्ट समरी ऑफ होल स्ट्रैटेजी की अपने वो 6 महीने या 4 महीने या 3 महीने की टाइम को कैसे जो है वो सम अप करें, मतलब कैसे वो उस टाइम को जो है एक अगर आप समरी में बताना चाहें तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सर, हाँ सर, बोल सर, शुरू से रिकॉल करना की हैबिट करो। मुझे पहले रिकॉल नहीं करती थी, तो उसके लिए पिछली बार नहीं हुआ, तो इस बार मैं उस गलती को ठीक किया। बहुत बार रिकॉल किया, रिकॉल रिकॉल इज द की रिकॉलिंग के अलावा सर। वो अब आपने मतलब कितने सर घंटे पहले उसको? यस बोलिए, पहले आप बोलिए। सर पहले तो रिकॉलिंग मुझसे नहीं होता था, मुझे डर लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक दिन प्रैक्टिस किया, देखिए कर लेती हूँ कैसा होता है। देन इट बिकेम बेटर, इट गेट्स बेटर डे बाय डे, इट बिकेम इजियर फॉर मी। हाँ शुरू में मे बी इट विल बी डिफिकल्टी, रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन धीरे 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 जब हमारा माइंड यूज्ड टू हो जाता है तो वो चीजें होने लगती हैं। हाँ तो वो स्लॉट क्या सर होना चाहिए, पहले मतलब बहुत टाइम लग हाँ बोलिए। सर पहले बहुत टाइम लगते थे रिकॉलिंग के लिए। क्लासेस 2 घंटे की थी, मैं रिकॉल ही 2 घंटे के लिए करती थी एक टॉपिक को। फिर डे बाय डे ठीक हो गया सब, मुझे 10 मिनट्स में हो जाता था। तो टाइम स्लॉट क्या रखे, अगर कोई बच्चा जो मैं पूछ रहा था कि मान लीजिए अगर उसको स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है और रिकॉलिंग करनी है, तो मान लीजिए किसी बच्चे के पास जो है वो 8 घंटे हैं, तो वो लगभग कितने घंटे पढ़ाई करे, कितने घंटे प्रैक्टिस करे, कितने घंटे रिकॉल करे? सर पढ़ाई के बीच में जो गैप मिलता है क्लास के शुरू में, तब एक बार पीआईक्यूज बोलते बोल रही हूँ, नोट्स को एक बार गो थ्रू करना पड़ता था। मैं करती थी तब, शुरू में एक बार क्लासेस को देख लेती थी, तो रात में तो मैं नाइट स्टडी करती थी, तो रात में बहुत बार हो जाते थे। मैं 3 बजे तक पढ़ लेती थी, सब रिविजन कर लेती, हो जाता था मुझे। ठीक है, वो अपना अपना एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल होता है कि हमें ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, और हर एक लर्नर का अपना एक टाइम स्लॉट होता है। किसी को 6 घंटे मिलते हैं, किसी को 4 घंटे मिलते हैं, किसी को 10 घंटे हाँ मिलते हैं, और हमें जो भी टाइम मिलना चाहिए उस टाइम को हमें यूटिलाइज कर लेना चाहिए। बेसिक तौर पे मैं यही रिकमेंड करता हूँ बच्चों को भी। और जैसे कि अगर आपने जो है जो 3 घंटे आप एग्जाम में गए थे, तो 3 घंटे में आपने कौन से सेक्शन को पहले ऑप्ट किया था, कौन से बाद में ऑप्ट किया, या कुछ ऐसा क्या अप्रोच रहा था आपका उस दौरान एग्जाम हॉल में? सर, पहले मैं 120 अटेंड करने के लिए जो मुझे जरूरत था मैं 5 से किया, 20 क्वेश्चंस किया, और उसमें जो मुझे लग रहे थे जो ये 5 क्वेश्चन ऐसे मैं सोच कर सकती हूँ, मैं उसको मार्क कर दिया। फिर मैंने 5 सी में गया, 5 सी में पार्ट बी में मैं 20 क्वेश्चंस अटेंड किया। फिर मैं एंटायर क्वेश्चन को गो थ्रू किया, जो मुझे लग रहा है जो ना ये होगा मुझसे, तो मैं मार्क कर लिया। फिर मैंने 2 घंटे में मेरे एंटायर एग्जाम कंप्लीट हो गए थे। फिर मैंने पार्ट ए किया, पार्ट ए ओके के तो मेरे टारगेट थे 5 क्वेश्चंस, मैं 5 क्वेश्चंस करके आई थी। मैं 6th क्वेश्चन देखी भी नहीं क्या कैसा है। आपने देन पांच तो मैंने टारगेट हो गए। देन मैंने 5 सी में गए और देख रही थी कि कोई इम्प्रूवमेंट है या कुछ है, तो मैं वो ठीक कर लिया, ओके जिसमें मेरी डाउट है। मैं एग्जाम में भी देख लिया कोई सिली मिस्टेक नहीं हुआ था, अगर ऐसे, क्योंकि आपने क्रॉस चेक किया मैं होगा बहुत कि सिली मैंने। मिस्टेक कर हाँ क्रॉस चेक मैं बहुत सिली मिस्टेक करती थी। सोच रही हूँ हाँ ऑप्शन डी सिलेक्ट कर लिया, ऑप्शन सी ऐसे। हाँ तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट था, मतलब हमें एक बार करना चाहिए उस चीज को, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड हाँ करने को। जी बिल्कुल। तो अगर एक और क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आज अभी दिसंबर में एग्जाम होगा मे बी, तो कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि 1 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि कोई स्टूडेंट 1 महीने में सीएसआर क्रैक कर सकता है या नहीं कर नहीं सकता? हो और अगर सकता सर,
अगर वो पिछले बार अनअकैडमी के पहले कोई ट्यूशन कोचिंग ले ले लिया तो ठीक है, नहीं होगा शुरू में, एकदम नहीं होगा। मतलब एज अ सिलेबस फ्रेशर देख तो के कुछ लोग नहीं डर रहता। जाते हैं। हाँ, सिलेबस देख के लोग डर जाते हैं, एक यूनिट भी ठीक से नहीं कंप्लीट होगा। आप अगर रिपीटर हैं या आपने एक दो बार तैयारी कर रखी तो शायद पॉसिबल है कि एक महीने के हाँ बाद हो जाए। अगर फ्रेशर को एक महीने, लास्ट एक महीने में ऐसा क्या करना चाहिए, मतलब जो पहले की स्टेट, क्योंकि पहले तो पढ़ाई ज्यादा होती है, तो बाद में क्या उसी हाँ शेड्यूल से चले, या एक महीने में क्या वो कर सकता है कि बेहतर परफॉर्म करे एग्जाम में। सर, जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, और बाकी टाइम जो लेफ्ट टाइम है वो रिकॉल रिवीजन जो भी है वो करना करना बेहतर होगा। प्रैक्टिस भी उतना ही तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको क्या प्रैक्टिस लगता है? भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस करने से आपको आइडिया होगा कि क्या किसके टाइप क्या मैंने कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मैंने बहुत तो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आप जैसा बता रहे थे अपने 5-5 बार हाँ, ब्रेक डिवाइस को उसको प्रैक्टिस किया हुआ, दैट्स ग्रेट। सब एंड यूनिट के नहीं, सब यूनिट के नहीं, जो यूनिट में कंफर्टेबल हूँ। ग्रेट। तो ये तो कुछ मतलब प्रोफेशनल या फॉर्मल क्वेश्चंस थे। अपार्ट फ्रॉम सम इनफॉर्मल क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको घूमना पसंद है, मतलब लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो हमने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सर, आपके बात करी, वेब सीरीज। वेब अच्छा, वेब सीरीज सीरीज देखना देखना बहुत पसंद। पसंद है। आपने हाँ लेटेस्ट कौन से देखी? अच्छा, सर, फैमिली मैन देख रही हूँ। फैमिली मैन। आप जो है अपने लिए टाइम निकालते थे कि पूरा टाइम किताबों में बिजी रहते थे, कुछ करते थे नहीं सर, पर्सनल? मैं सर घर के काम करते थे, और मुझे पेपर के फ्लावर्स ऐसे बनाना अच्छा लगता है, मैं बनाती थी। ओके, ग्रेट। मैं वेब सीरीज भी बहुत देखती थी, मैं रील्स बहुत देखती थी तो रील से बचते सर, कैसे थे आप? रील्स में फेसबुक। तो समय लग जाता था, देखते 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 बहुत सारे से। हाँ सर सर, लास्ट में तो ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मुझे कंट्रोल करना पड़ा। कैसे किया आपने वो? सब कैसे किया? मेरे मन में जिद हो गया, मुझे क्वालिफाई करना है, कितने दिन एक ही यूनिट पढ़ूंगी मैं। ये बात बिल्कुल सब सही। दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे थे, मैं ही घर में थी, तो हाँ, आई तो हैड टू डू समथिंग। आई हैव टू डू, यस डेफिनेटली। तो आपको मतलब जैसे मैंने पूछा था, घूमना पसंद है, कहीं घूमने जाते हो आप कुछ ऐसा कुछ? नहीं सर, पापा की दुकान है तो इसलिए कहीं ले नहीं जा सकते। पसंद है या नहीं मैं जब पसंद? फ्री टाइम रह पसंद तो बहुत है। पसंद तो बहुत, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। हाँ, पापा की दुकान है, मैं फ्री टाइम में दुकान में जाती थी पापा को हेल्प करने के लिए, संडे सैटरडे स्पेशली। ग्रेट। और आपको खाने में क्या पसंद है? सर नॉनवेज पसंद है, बिरयानी। एग्जाम नॉन वेज बिरयानी, ग्रेट। आपका के फेवरेट पहले एक्टर? फेवरेट मैं, हाँ एक्टर कौन है? सर, वो पंचायत के एक्टर। अच्छा, क्या नाम है? मैं नाम बोल रहा हूँ, पंचायत में वो जो क्या और बोल, सिद्धार्थ उनको मल्होत्रा भी पसंद है। सिद्धार्थ मल्होत्रा। हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा भी ठीक है, अच्छा है। और एक्ट्रेस कौन पसंद है? पसंद है, दीपिका को पसंद है वो। ग्रेट। और कोई आपकी कोई हॉबी है, यूनिक हॉबी कुछ आप करते रहे हो फ्री टाइम में, या करना चाहते हो इन फ्यूचर? सर हॉबी तो ऐसा कुछ नहीं, मैं जो करती हूँ मन से करती हूँ। तो ड्राइंग करती हूँ तो अच्छा नहीं होता, करती थी बायोलॉजी की ड्राइंग भी, ड्राइंग करती थी। ग्रेट। मैं कभी IIT आऊंगा तो डेफिनेटली आपसे मिलूंगा, आपके फादर से भी मिलूंगा। मैं खड़गपुर हाँ आता सर, हूँ। अब बुला लेना, मैं चले आऊंगी। नहीं, डेफिनेटली मैं इन्फॉर्म आपसे करूंगा। और ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने कई सारी जो है अच्छी चीजें शेयर करी अपने बारे में, अपने स्ट्रेटजी के बारे में। होप कि बच्चे इस सेशन को देख के जो है कुछ मोटिवेट भी होंगे, और कुछ ये सीखेंगे कि बेसिक चीजों पे स्टिक रहना भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि पेपर पैटर्न बहुत चेंज हो रहा हो या पेपर पैटर्न बदल रहा हो तो हम सब कुछ बदल ही लें। हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है या कोर फैक्ट्स है उन पे हमें स्टिक रहना चाहिए, रिकॉलिंग को थोड़ा और अच्छा करना चाहिए, और ये सब चीजें डेफिनेटली सीखेंगे। और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके मुझे,
और काफी अच्छा हिंदी बोलते हैं आप, ऑल दो वेस्ट बंगाल से होते हुए भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि इसी तरीके से आप आगे लाइफ में बढ़ते रहें, और कभी भी आपको जरूरत हो किसी भी तरीके से इन फ्यूचर, चाहे इंटरव्यूज एंड ऑल, तो आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकती हैं। एंड आप लास्ट में अगर कुछ अपने फेलो लर्नर्स के लिए कुछ बोलना चाहें इन अ कीवर्ड। तो मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले जब क्लास 5 to 2 में एकदम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, मेरे रिपोर्ट कार्ड में CD अलावा A पापा ने कभी नहीं देखा, मुझे बहुत डांट पड़ती थी, और अब इतनी इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे मेरे अंदर, तो वो खुशी है। ग्रेट, तो जीरो से हीरो बनी है आप एक तरीके से देखा जाए तो, हाँ काफी सर, मेहनत किया है, और एक लाइव एग्जाम्पल है आप इस चीज का कि हार्डवर्क जो है वो बहुत जरूरी है। कभी कभी अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो भी आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। एंड विश यू अ वेरी ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस अचीवमेंट पूजा, एंड होप कि आपकी थैंक यू फैमिली और सर। आपके फादर और आप भी जो है हेल्दी रहें अपनी लाइफ में, और जितने लोग हमें देख रहे हैं वो भी हेल्दी रहें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर।